हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ से रिलेटेड। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो बहुत ही बड़ा इवेंट यहाँ पे आने वाला है, राइट, जो कि बाज़ार को भी एक बड़ा डायरेक्शन दे सकता है। आइदर बाज़ार यहाँ से और ऊपर लेके जा सकता है या फिर नीचे लेके जा सकता है, राइट। एंड वो इवेंट आप सभी लोगों को पता है 1 फरवरी को यहाँ पे होने वाला है, जो कि है बजट। सो दोस्तों, बजट से पहले जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि बजट तो 1 तारीख को है, बट उसके पहले 3 दिन बाज़ार अभी यहाँ पे चलने वाला है, कल, परसों एंड फ्राइडे के दिन। सो ये 3 दिन में बहुत ही ज़्यादा हलचलें भी बाज़ार में हम लोग को ज़रूर देखने को मिलेगी, क्योंकि एक एक न्यूज़ सामने आती रहती है। बजट में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इससे रिलेटेड बड़े बड़े न्यूज़ सामने आती है, रिपोर्ट्स के जरिए न्यूज़ सामने आ जाते हैं, राइट। एंड हम लोगों ने देखा भी है पिछले बजट की भी, अगर आप लोग हिस्ट्री निकाल के देख लो उससे पहले भी, कि ये जो न्यूज़ सामने आते रहते पॉसिबिलिटी वाली रहते हैं, राइट, वो कुछ परसेंट तक हम लोगों को सच भी होते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो बाज़ार में क्या हो जाता है, पहले ही रिएक्शन देखने को मिल जाती है। सो ऐसी और एक न्यूज़ हम लोगों को यहाँ पे फिलहाल सामने देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड वापस कहना चाहूँगा, अभी के जितने भी ये न्यूज़ आएंगे ना बजट से पहले, ये सब कुछ अनऑफिशियल रहेंगे, अनऑफिशियल या फिर रिपोर्ट्स के जरिए आएंगे, क्योंकि जो ओरिजिनल रिलीज रहेगी वो तो हम लोग को 1 तारीख को ही देखने को मिलने वाली है, राइट। बट उसके पहले ये जो 3 दिन है यहाँ पे सब कुछ हम लोग को पॉसिबिलिटीज वाली चीज़ें, खबरें सुनने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो ऐसी एक धमाकेदार न्यूज़ यहाँ पे सुनने को यहाँ पे आ रही है, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। उसका जो इम्पैक्ट रहेगा, कौन से स्टॉक्स के ऊपर आ सकता है वो भी देखेंगे, इम्पैक्ट कौन कौन से स्टॉक के ऊपर आएगा, उसी के साथ साथ कौन से अच्छे स्टॉक भी अवेलेबल है वो भी हम लोग यहाँ पे इसी वीडियो में देखने की कोशिश करने वाले। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के दिन बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए, आपने आरबीआई का ज़रूर ये लेटेस्ट वीडियो देखा होगा जो मैंने यहाँ पे बनाया, ज़रूर देख लेना उसको। ऊर्जा ग्लोबल, ट्राइडेंट हेल्थ केयर, जेनिथ हेल्थ केयर की बात करें तो इन स्टॉक्स के ऊपर भी फोकस ज़रूर रख लेना। उसी के साथ साथ यहाँ पे और एक वीडियो मैंने बनाया कि मार्केट क्रैश कब होगा, क्या हम लोगों ने इस लेवल पे निवेश करना चाहिए, सारे वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जो कि आज ही के दिन बनाया है। एंड किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लेना। एंड चाहिए तो स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक ऊपर आए बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों जगह पर मिल जाएगी। सो दोस्तों, न्यूज़ अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे ओपन है, बट जैसे मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट भी मैं करूँगा। मतलब सबसे पहले फॉर्मेलिटी पढ़ के दिखाना चाहूँगा, गवर्नमेंट लाइकली टू डबल हेल्थ स्पेंडिंग इन बजट 2021। एंड क्या लिखा है यहाँ पे, रिपोर्ट, ये बार बार हाईलाइट करूँगा, रिपोर्ट, मतलब जो भी न्यूज़ अभी सामने आएगी वो रिपोर्ट्स की रहेंगी। गवर्नमेंट ये कर सकता है, सरकार ये कर सकता है, आप देख सकते हैं, शब्द देख सकते हैं, गवर्नमेंट लाइकली टू, अभी के जितने भी ये 3 दिन रहेंगे ना मार्केट में, ये सब कुछ ऐसे चलने वाले हैं, गवर्नमेंट लाइकली टू डू दिस दैट ये वो, एंड रिपोर्ट्स के जरिए ही हम लोग को ये न्यूज़ यहाँ पे फिलहाल देखने को मिलने वाले हैं। बट अगर हम लोग देखें तो कौन सी न्यूज़ यहाँ पे सामने आ रही है फिलहाल, तो ये हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड, हेल्थ सेक्टर की जो स्पेंडिंग है उसके ऊपर जो खर्चा किया जाता है गवर्नमेंट की ओर से, GDP की अगर हम लोग परसेंट की बात करें, वो यहाँ पे डबल हो सकता है। यस दोस्तों, एंड हम लोग कह सकते हैं कि अगर हेल्थ केयर के ऊपर, हेल्थ सेक्टर के ऊपर अगर डबल यहाँ पे स्पेंडिंग होए गए, तो डेफिनेटली हेल्थ से जुड़ी हुई जितने भी स्टॉक्स है उनको डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली फ़ायदा इसका ज़रूर पहुँचेगा। अभी हेल्थ सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हॉस्पिटल आते हैं, वैक्सीन भी आती है, राइट, इंश्योरेंस भी आता है, बहुत कुछ, बहुत ही बड़ा सेक्टर ये है। सो इसी से रिलेटेड हम लोग को कुछ स्टॉक्स भी देखने हैं जिसके ऊपर आप लोग फोकस यहाँ पे रख सकते हो। बट एक काम कर लेते हैं, इस न्यूज़ को एग्जैक्टली डिटेल में समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग उन स्टॉक्स को फटाफट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। सो दोस्तों, जो हेडलाइन मैंने पढ़ी थी वही अभी आप लोगों को देखने को मिल रही है, गवर्नमेंट इज़ लाइकली टू डबल हेल्थ स्पेंडिंग इन द नेक्स्ट फिस्कल ईयर विद द एम ऑफ रेजिंग द एक्सपेंडिचर इन द सेक्टर टू द 4% ऑफ द GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक आउटपुट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें। एंड ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है फॉर अपकमिंग 4 ईयर्स की बात हो रही है, 2 ऑफिशियल्स की ओर से हम लोग को ये सारी चीज़ें होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड ये चीज़ें इसीलिए फिक्स हो रही है हेल्थ सेक्टर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, क्योंकि कोविड के पेंडेमिक में यहाँ पे बताया जा चुका है कि हेल्थ सेक्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया जैसे इतने बड़े पॉपुलेशन वाली कंट्री की अगर हम लोग बात करें तो हॉस्पिटल्स की कितनी कमी है, यह अभी बहुत सारे लोगों को यहाँ पे पेंडेमिक में भी समझ में यहाँ पे आ गई, राइट। तो अगर हमें यहाँ पे बात करूँ अभी गवर्नमेंट की जो हेल्थ सेक्टर की जो स्पेंडिंग है वो पुरानी कितनी थी पता है, आप देख सकते हो 62,600 करोड़, राइट, ये राउटर से भी हम लोग को ये चीज़ें देखने को मिली थी, 62,600 करोड़ ये अभी तक की स्पेंडिंग हम लोग को देखने को मिली है, जो कि आप देख सकते हो डबल, मोर देन डबल हो सकती है, मतलब 1.2 से लेके 1.3 लाख करोड़ तक ये यहाँ पे जा सकती है, मतलब डबल यहाँ पे बढ़ाने की बात यहाँ पे हो रही है।
और ये जो जितनी भी सारी बातें मैंने यहाँ पे बोली है आप लोग देख सकते हैं, द न्यू हेल्थ केयर प्लान जो मैं अभी बोल रहा हूँ ना डबल होगा करके, इस लाइकली टू बी अनवील्ड ऑन 1 February व्हेन द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन प्रेजेंट द बजट फॉर द नेक्स्ट फिस्कल ईयर। मतलब आप लोगों को क्लियर कट समझ में आ गया कि यहाँ पे 1 February को इसी से रिलेटेड बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है। इसी एक्सपेक्टेशन के चलते अभी हेल्थ सेक्टर के स्टॉक में हम लोग को हलचले देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। जैसे कि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि अभी तक ये सारी चीज़ें हम लोग को कोई भी पब्लिक मतलब ऑफिशियली यहाँ पे आती हुई देखने को नहीं मिल रही है, तो वापस कहना चाहूँगा ये सारी चीज़ें हम लोग को रिपोर्ट्स के जरिए देखने को मिल रही है। जो भी रहेगा लिखा है कि क्लियर कट अनविल कब होने वाला है यहाँ पे 1 February को, राइट। तो ये भी पॉइंट आप लोगों ने ज़रूर नोट करके चलना चाहिए। सो दोस्तों रिसेंटली अगर हम लोग बात करें जो कंट्री का जो हेल्थ केयर से रिलेटेड जो स्पेंडिंग है वो GDP के हिसाब से अगर हम लोग बात करें वो है लगभग 1.3%, राइट, जो कि अभी के हिसाब से यहाँ पे चल रहा है। एंड अगर हम लोग इसको कंपेयर करके देखें कि जितने भी जो ये ब्रिक्स है, राइट, जो कंट्रीज हम लोग को देखने को मिलती है पीयर वाली, उसके कंपेरिजन में बहुत ही ज़्यादा लो है। एंड जो डेवलप कंट्रीज़ है उनके भी हिसाब से बहुत ही लोअर लेवल पर देखने को मिल रहा है। एंड यही 1.3% GDP का मतलब टोटल 1.3 किसके ऊपर हेल्थ केयर से रिलेटेड जो स्पेंड होता था वो अभी यहाँ पे टारगेट यहाँ पे हम लोगों को कितना होते हुए देखने को मिलने वाला है, लगभग 4% ऑफ GDP होते हुए देखने को मिल सकता है। ये पॉसिबिलिटी है, आप देख सकते हैं ऑफिशियल सेड, ये सब कुछ निर्मला सीतारमन जी यहाँ पे हम लोग को अनवील करते हुए देखने को मिलेगी। क्या सच है क्या झूठ है, दूध का दूध पानी का पानी, 1 तारीख को यहाँ पे होने वाला है। बट ये न्यूज़ हमारे सामने अभी यहाँ पे आ रही है जो कि आप लोगों को पढ़ के मैंने बताई है। अभी ये न्यूज़ बहुत लंबी चौड़ी है बट मैं आपको फटाफट यहाँ पे शॉर्टकट करके यहाँ पे बता रहा हूँ। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हेल्थ सेक्टर से स्पेंडिंग बढ़ेगी, मतलब हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी बिजनेस है वहाँ पर उनकी अपॉर्चुनिटी बढ़ गई। सो ऐसे स्टॉक के ऊपर आप लोग फोकस यहाँ पे रख सकते हो। सो वापस कहना चाहूँगा जो स्टॉक्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये मेरे कोई रिकमेंडेशन नहीं कि कल जाके आप लोग बाय करो या फिर सेल करो, एग्जिट करो, होल्ड करो, वो आपकी जिम्मेदारी। मैं सिर्फ आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इस न्यूज़ के चलते कौन से स्टॉक यहाँ पे प्रभावित हो सकते हैं। सो हेल्थ केयर की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हॉस्पिटल्स, अभी हॉस्पिटल से रिलेटेड बहुत सारे स्टॉक है बट उसमें से अगर कोई रेप्यूटेड स्टॉक यहाँ पे चल रहा है तो उसका नाम है अपोलो हॉस्पिटल। एंड अपोलो हॉस्पिटल के ऊपर मैंने इसके पहले ही 1 महीने पहले ही वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि प्रमोटर ने अपने जो शेयर से वो भी थोड़े अच्छे बढ़ाए थे, जो गिरवी रखे हुए शेयर से वो भी कम किए थे, राइट। ये भी सारी चीज़ें हम लोग देखी थी, फंड रेजिंग की न्यूज़ भी मैंने कवर की थी। एंड आज हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल हम लोग को यहाँ पे टॉप लेवल पे फिलहाल देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ये देखिए, राइट। तो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने जाके बाय करो, ये लार्ज कैप का स्टॉक है, बट अगेन कहना चाहूँगा कि यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल जैसे स्टॉक्स को फोर्टी सेल मतलब हॉस्पिटल भी है उसको भी मतलब हम कह सकते हैं कि फ़ायदा यहाँ पे पहुँच सकता है। तमाम हॉस्पिटल जैसे कंपनीज है उनके शेयर्स को फ़ायदा पहुँच सकता है बट अपोलो हॉस्पिटल अगर आप चाहो तो रडार पे रख सकते हो। बट अगेन कहना चाहूँगा अपोलो हॉस्पिटल जब भी आप खरीदने की बात करोगे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप चेक करोगे तो 29% आसपास हम लोग को प्रमोटर के होल्डिंग देखने को मिल रहे हैं, उसमें से 30% यहाँ पे गिरवी रखे हुए देखने को मिल रहे हैं। सो इस पॉइंट को आप लोगों ने ज़रूर नोट यहाँ पे करना चाहिए। जैसे मैंने कहा इसके पहले ये परसेंटेज 66 के आसपास हुआ करता था, जो अभी 30 देखने को मिल रहा है तो एक रिलीफ वाली बात भी ज़रूर है। बट अगर आप लोगों को ये चीज़ें रिस्की लगती है तो आप स्ट्रेट अवे इसको चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो। इसलिए मैंने कहा कि ब्लाइंडली इन्वेस्ट करने वाले हमेशा फंस जाते हैं, तो ये रिसर्च करने वालों का सब कुछ काम है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। सो अपोलो हॉस्पिटल मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया है कि हॉस्पिटल वाले शेयर्स देख लेना, राइट, उनको शायद से यहाँ पे कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। देन अगर हम लोग बात करें बहुत बड़ा सेक्टर इंश्योरेंस सेक्टर, लाइफ इंश्योरेंस, तो ये भी हेल्थ से ही जुड़ा हुआ है, राइट। सो इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात करें लाइफ इंश्योरेंस तो HDFC लाइफ आप सभी लोगों को पता है एवरग्रीन स्टॉक है, लंबी अवधि के लिए रिजल्ट के बाद भी मैं यही कहना चाहूँगा आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो, राइट। लंबी अवधि की मैं बात कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। निफ्टी 50 का स्टॉक है। देन अगर हम लोग बात करें ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, ये भी स्टॉक देखा जाए तो बहुत ही शानदार स्टॉक है, ये भी हेल्थ सेक्टर से भी डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है, राइट। उसी के साथ साथ SBI लाइफ इंश्योरेंस, ये भी कंपनी अगर देखा जाए ये सारे लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक है एंड डेट फ्री स्टॉक्स है। एंड ये तो दोनों कौन से HDFC एंड SBI लाइफ, ये दोनों तो निफ्टी 50 के पार्ट है, तो लंबी अवधि तक आपको होल्ड करने की अगर क्षमता है तो इन स्टॉक पे अगर आप चाहो तो यहाँ पे फोकस रख सकते हो, चाहो तो दाव खेल सकते हो, आपकी मर्जी। बट ज़रूर हेल्थ सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो इन स्टॉक्स को कुछ ना कुछ यहाँ पे डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। बीच में ये भी कहा गया था कि इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुई कुछ
जो रेट्स भी लगते हैं उसको भी घटाने के यहाँ पे बात यहाँ पे हो रहे थे, बट बाद में वो न्यूज़ हम लोग को थोड़ी सी गायब ही होते हुए देखने को मिली है। सो उसका भी फोकस हम लोग बजट में करेंगे कि क्या यहाँ पे रेट्स की भी गिरावट की यहाँ पे बात की जा रही है, टैक्सेस के हिसाब से भी अगर हम लोग बात करें तो ये भी हम लोग को इसी बजट में यहाँ पे ज़रूर देखने को मिल सकता है। सो ये पॉसिबिलिटी वाली बात है, पता नहीं अभी सच होगा नहीं होगा, ये तो बजट के दिन ही पता चल जाएगा। सो हॉस्पिटल, उसी के साथ साथ इंश्योरेंस सेक्टर, लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो ऐसे स्टॉक के ऊपर फोकस रखना है। एंड जैसे मैंने कहा कि आप लोगों को वैक्सीन वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज, इनके ऊपर फोकस रखना है। अभी वैक्सीन बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज है, अगर इंडिया की बात करूँ तो एस्ट्राजेन है, उसी के साथ साथ अगर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इंडिया में जो वैक्सीन की बातें चल रही है तो उसमें एस्ट्राजेन आता है, फाइजर जैसी कंपनी आती है, उन कंपनीज़ के ऊपर आप लोग चाहो तो यहाँ पे फोकस रख सकते हो। कुछ ना कुछ डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली इस कंपनी को भी बजट से यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है, राइट, इंसेंटिव यहाँ पे पहुँच सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। सो ये तो बजट के दिन ही पता चलेगा कि क्या हकीकत में इन लोगों को कोई यहाँ पे फ़ायदा होगा या नहीं। एंड जैसे मैंने कहा कि ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है, जैसे कि अगर आप देखोगे तो वैक्सीन से रिलेटेड मतलब बहुत सारे डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली कंपनियां काम करते हैं। जैसे मैं बताता हूँ कि वैक्सीन रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत होती है, राइट, तो उनको भी कुछ ना कुछ प्रावधान मिल सकता है, डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली हम लोग बात कर रहे हैं, राइट, मतलब टैक्सेस उनके ऊपर कुछ कम हो सकते हैं, कुछ तो बेनिफिट इंसेंटिव उनको मिल सकता है। सो ऐसे स्टॉक के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है। ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, मैं सिर्फ आप लोगों को 10 मिनट में इतना ही बता सकता हूँ, असली जादू असली दिमाग तो आपको ही चलाना यहाँ पे पड़ने वाला है। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों ने इन न्यूज़ के चलते यहाँ पे तैयार रहना है कि 1 तारीख को क्या ये न्यूज़ हम लोग को हकीकत में बदलते हुए देखने को मिलेगी। एंड जैसे मैं कहता हूँ कि इसमें अगर रिस्क भी लेना है, जैसे कि लोग बोलेंगे कि कल ये न्यूज़ फेक साबित होती है, 1 तारीख को ऐसा कुछ अनाउंसमेंट होता ही नहीं है, तो यही स्टॉक्स में गिरावट हो जाएंगे। सो इसमें से ही कोई क्वालिटी स्टॉक्स है उनको पिक कर लेना, जैसे कि HDFC लाइफ है, SBI लाइफ है, ये ऐसे क्वालिटी स्टॉक है कि कल चलो 1 तारीख को ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो ये सारे स्टॉक गिरेंगे, बट इन स्टॉक्स को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, राइट। उसी के साथ साथ बाकी तमाम फार्मा कंपनीज़ है उनके ऊपर आप लोग नज़र रख सकते हो, लेबोरेटरीज़ वाली कंपनीज़ है उनके ऊपर नज़र रख सकते हो, हेल्थ केयर से जितनी भी जुड़ी हुई है उनके ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे फोकस ज़रूर बनाए रखना है। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों ये टॉपिक आपको समझ में आएगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, तो बाकी लोग भी इससे अंदाजा लेके यहाँ पे प्रिपेयर खुद को कर पाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।